हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये एग्जाम के लिए और बाकी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको इसीलिए इसको समझना और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 या 4.4। अब कम क्या होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम लिखे हैं। अगर न्यू वाला बुक लीजिएगा तो आपको 4.3 में ये क्वेश्चन मिलेगा, अगर पुराना वाला बुक है तो आपको 4.4 में ये मिलेगा। ठीक है, खैर एक्सरसाइज से मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसमें हमें पता करना है नेचर ऑफ रूट पता करना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स क्या करते हैं, रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तभी इसका नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा तो नहीं फाइंड होगा। ठीक है, चलिए अब फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला, आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तो इसमें बहुत मदद करेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर आपको हम छोटा में शॉर्ट में बता देते हैं इसका कि कब कब एग्जिस्ट करता है। तो तीन केस होता है इसका, आपको पता होगा। पहला केस D4 डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर D जीरो से बड़ा है तो यहाँ पर हमारा रियल रूट एग्जिस्ट करता है, और रियल रूट यहाँ पर मिलेगा डिस्टिंक्ट, मतलब कि डिफरेंट, दो डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, कैसा रियल रूट, तो डिस्टिंक्ट, कितने, तो दो। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, ये पहला केस हुआ। अब दूसरा केस ये है, दूसरा केस अगर डी जीरो आ जाए इक्वल से, अगर डी का वैल्यू जीरो आ जाए इक्वल का, तो यहां पर हमारा जो रियल रूट है वो इक्वल मिलेगा। ठीक है, रियल रूट कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तीसरा केस ये है कि अगर डी लेस देन जीरो, ठीक है, डी का वैल्यू अगर जीरो से कम आ जाए, जैसे कि नेगेटिव माइनस में आ जाए, -1 -2 इस प्रकार से आ जाए, तो वहां पर हमारा रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा, रियल रूट नहीं मिलेगा। रियल रूट नहीं मिलेगा, आई मीन इमेजिनरी मिलेगा, इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी रूट नंबर, जो कभी आपको पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रूट है यहाँ पर फाइंड आउट नहीं होगा, इसका नो रियल रूट होगा। ठीक है, नो रियल रूट आए समझ में, नो रियल रूट का मतलब ये जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा। ये तीन केस है। अब डी का तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, डी इक्वल टू यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू B² - 4AC। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फॉर्मूला आपको याद होगा, x = -b + √D। यहाँ पर कहिए या फिर डी के जगह पर वैल्यू रख दीजिए, एक ही बात है, अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, बहुत ही काम का ये चीज है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपको पता है कि पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c = 0। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल टू जीरो छूट गया है, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो बताइए, कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, 2, b का वैल्यू कितना आएगा, तो -3, क्योंकि माइनस है, माइनस चिन्ह को साथ में लेंगे, c = कितना है, 5। ये कंपेयर कर लिए, अब कंपेयर कर लिए तो पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, पहले हम पता करेंगे कि डी क्या आ रहा है, पहले हम डी पता करेंगे कि तीनों में से डी कौन सा आ रहा है। अगर ये वाला आएगा तो आंसर रुक जाएगा कहाँ तक, तो इसका रियल रूट नहीं निकलेगा, और नहीं तो ये दोनों में से कोई आया तो इसका रियल रूट निकलेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, वी नो दैट। तो यहाँ पर D = हो जाएगा B² - 4AC, लिख दिए D = B के जगह पर कितना, बी के जगह पर -3, तो -3² - 4 * A के जगह पर 2, सी का वैल्यू है 5। अब बताइए यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर कीजिए तो हमेशा देगा आंसर पॉजिटिव में, याद रखिएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव में देगा। ये हो गया 9 - यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो गया 40।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना -31, यानी कि डी का जो वैल्यू है वो आ रहा है -31, यानी कि ये जीरो से क्या है छोटा है, यानी कि डी का वैल्यू हमारा आ रहा है जीरो से छोटा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा रूट है वो रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है तो ये हमारा इसका नेचर ऑफ रूट है वो फाइंड आउट नहीं होगा। नेचर ऑफ रूट तो पता चल गया कि कैसा रूट का नेचर है, तो नो रियल रूट है इसीलिए इसका रूट नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आ गया जीरो से छोटा। चलिए तो इसका आंसर यहीं तक हो गया, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था इसका आंसर बस इतना ही है। आगे बढ़े यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन देखेंगे ये रूट वाला, और ऐसा क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन बनाने में स्टूडेंट एक्स्ट्रा मतलब कि जनरली इसमें फंसते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि रूट को कैसे ब्रेक करें, तो एक तो बताएंगे एक और बताएंगे, कुछ होमवर्क आपको दे देंगे ताकि आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, ये रूट वाला, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होता होगा तो आपको अब से डाउट नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन और भी हम बताएंगे तो आप देखिएगा, क्योंकि मेरा आदत होमवर्क देने का, होमवर्क देने का मकसद यही है कि आप उसको बनाइए सॉल्व कीजिए और मैथ आपके कब्जा में रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व, तो पहले तो हम डी पता करेंगे, ठीक है, तो डी पता करेंगे तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है डी का फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, आप याद रखिए, नहीं याद रखे तो ये दिक्कत है, फॉर्मूला को ऐसा याद रखे जो तुरंत लिखा जाए। अब इसको रखेंगे, हाँ बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है ये दिया हुआ -4√3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 3, सी का वैल्यू है 4, यहाँ तक क्लियर है। बोले अभी कि नेगेटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव देता है, तो 16 हो गया और ये रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 जो कितना होता है 48, और यहाँ पर 16 32 और 16 48, यहाँ भी 48 और यहाँ भी 48, यानी कि इसका वैल्यू 0, यानी कि यहाँ से क्या मिल रहा है 0, यानी कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट हमारा क्या हो जाएगा, तो नेचर ऑफ रूट हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट, ठीक है, कैसा आ जाएगा, तो 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स, ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स हो गया। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि वो जो हमारा रूट है वो कौन कौन है, इससे तो पता चल गया कि हमारा रियल रूट निकलेगा, ठीक है, और कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसको अब यूज करेंगे, तो इसको मिटाते हैं, स्पेस कम है इसलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अभी आपको हम बताएं कि क्या होता है, तो -b -√d / 2a, ठीक है। अब यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो रख दीजिएगा वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा माइनस, जहाँ है वहाँ रख दिए, b के जगह पर कितना है, तो b के जगह पर हमारा -4√3, ठीक, प्लस माइनस डी, डी कितना है, तो डी आया हमारा 0, ठीक है, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आया 0, और 2 एक का प्लस पे कितना है, एक प्लस पे 3 है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +4√3 प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर लेंगे, क्योंकि 2 इक्वल रियल रूट है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 4√3 प्लस 0 बाई 6, और बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं आप 4√3 माइनस 0 बाई 6। अब यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल रूट है, दोनों को इक्वल नहीं आएगा, तो आप इसको नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो इतना ही आएगा 4√3 बाई 6 इसको, और यहाँ पर जब कीजिएगा तो यहाँ पर भी वही आएगा, यानी कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 बार में कैंसिल और 3 बार में कैंसिल, और यहाँ पर √3 और √3 कटेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 2 रूट वाला जरूर नंबर आता है, जैसे 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में, ठीक है, 2 बार, तो यहाँ से 1√3 कटेगा, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा √3, इसमें भी वही आएगा, ठीक है, इसमें भी वही आएगा, ये हो गया हमारा 2 इक्वल रियल रूट, ठीक है। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा, अगर इसमें कहीं भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ, हाँ इसका क्वेश्चन एक और है तो आपके लिए छोड़ रहे हैं, और
और होमवर्क दे रहे हैं रूट वाला, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप अच्छे से बनाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपको लगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 ही है, ठीक है। दो तो आपको बता दिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 है जो आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको बनाइएगा। और बाकी का क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। बाकी का और दो क्वेश्चन है ये आपको रूट वाला दिए हैं, ताकि आप मजबूत हो जाए, आपका रूट वाला में कोई डाउट ना आ जाए। इसको हम ब्रेक करने के लिए बता दे रहे कि आप कैसे इसको तोड़िएगा, ठीक है। और बाकी का आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा, नहीं होगा तो आप बताएगा, हम इसको सॉल्व करके भी बता देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा, ये थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं हिंट्स के तौर पर, ये आपको बता दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और अगर बन जाएगा तो बताएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पर यह सोचना है कि इसको कैसे ब्रेक किया, सॉरी पहले आपको क्या पता करना है, पहले आपको पता करना है ए का वैल्यू, ठीक है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू कितना जाएगा, तो बी का वैल्यू -√6 और सी का वैल्यू हो जाएगा 2। वैसे सॉल्व करना है जैसे हम किए हैं, ठीक है, रूट वाला रहे या बिना रूट वाला सबको वैसे बनाना है, ठीक। तो क्वेश्चन का मेथड आप एक ही मेथड याद रखो, 10 मेथड याद रखने की जरूरत नहीं, नहीं तो ऐसा ऐसा बहुत 10 मेथड मिलेंगे आपको मैथ में, उतना रटने की जरूरत नहीं, एक वो मेथड मजबूत रखिए, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो ये था आज का होमवर्क, आप इस प्रकार से कंपेयर करके फॉर्मूला का यूज करके आप यहाँ से पता कीजिए। पहले डी पता करने के बाद देखिएगा कि डी क्या आ रहा है, अगर वो 0 से बड़ा आएगा, अगर वो 0 से डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो दो अलग अलग रूट होगा, दो डिफरेंस रूट होंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आता है तो सेम रूट होंगे, अगर डी 0 से छोटा आता है तो कोई रूट नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन नंबर 2 लाएंगे, उसमें भी आपको होमवर्क देंगे, उसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लाएंगे। हर वीडियो में हम प्रयास करते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाएं, लेकिन किसी किसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।